सत्य की जानकारी, सत्य अर्थात भगवान की पहचान तब तक 100% नहीं होगी जब तक इस दुनिया से वैराग नहीं आया है। बाबा की ये बातें सुनकर एक बार के लिए आप भी उसके मुरीद हो गए होंगे। आप भी क्या, देश भर में इनके लाखों अनुयायी हैं। बाबा का खुद का विश्वविद्यालय है जिसकी देश में कई शाखाएं हैं। लेकिन इतने प्रभावशाली वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के इस बाबा पर आरोप लगे हैं हजारों महिलाओं के यौन शोषण के, जिसका खुलासा इस वहशी बाबा के आश्रम की एक पूर्व सेविका ने किया है। इस खुलासे के बाद छापे में पुलिस को आश्रम में सालों से बंधक बनाकर रखी गई लगभग 41 लड़कियां मिली। इस दौरान और क्या कुछ निकल कर सामने आया, आइए आपको बताते हैं। पूर्व सेविका के मुताबिक बाबा ने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा बाबा ड्रग्स लेकर रोज 10 लड़कियों से रेप करता था। मामले में पहले पुलिस उदासीन दिखी, बाद में पीड़िता ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस और महिला आयोग को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने विश्वविद्यालय में दबिश दी जहां कई आपत्तिजनक सामान मिले। कई और सेविकाओं ने भी दुष्कर्म की बात कबूली। मौका देखकर बाबा फरार हो गया। घर वाले 2-3 दिन माथा पटक के मरेंगे यहाँ से, वो खुद की मर्जी से मर भी नहीं सकते, आप देख सकते हैं उसको। अब उसके बाद क्या होगा सर, हम जब आना छोड़ देंगे तो फिर ये उसको भेज देंगे। राजस्थान में झुंझुनू जिले की रहने वाली है, 24 साल की लड़की है सर। अब स्थिति ये है, उससे मिलवाया, वहाँ सिर्फ झलक दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस को साथ लेके आया, सिर्फ झलक दिखाई। कोई गायब है आपका, क्या हुआ? मेरी बहन 2003 से यहाँ पर सरेंडर है। अंदर हर जगह लोहे के जाल मिलेंगे आपको, लोहे के दरवाजे मिलेंगे। नहीं, कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे, सेक्स होता है। मेन हेड है वीरेंद्र देव। मामला अपने आप में काफी संगीन है कि कैसे एक कथित धर्म गुरु इतने घिनौने काम को अंजाम दे सकता है। लेकिन देखा जाए तो देश में ऐसे बाबाओं की फेहरिस्त काफी लंबी है। वो कैसे, तो जरा इन पहलुओं पर गौर कीजिए। बाबा राम रहीम इस सूची में सबसे ऊपर। कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप लगे। कुछ दिन पहले फलाहारी बाबा भी शिष्यों से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार हुआ। तंत्र मंत्र के नाम पर 39 महिलाओं से दुष्कर्म करने वाला मौलाना करीम गिरफ्तार हुआ। हरियाणा का संत रामपाल भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में दोषी पाया गया। देश भर में व्यापक स्तर पर सेक्स रैकेट चलाने में धरा गया स्वामी भीमानंद। तमिलनाडु के धर्मगुरु स्वामी प्रेम आनंद पर 13 महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप लगे। तिरुवनंतपुरम में एक पादरी देवराज कई बच्चियों के यौन शोषण में गिरफ्तार हुआ। देवबंद मौलाना मसूद मदनी की भी दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी हुई। जैन मुनि शांति सागर पर दुष्कर्म का आरोप लगा, गिरफ्तारी भी हुई। ढोंगियों के द्वारा धर्म के नाम पर बहला फुसला कर यौन शोषण जैसी हरकतें अब आम बात हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच और करने वाली बात यह है कि हर दफा इसका खुलासा किसी पीड़िता की शिकायत पर ही होता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर सरकार का सूचना तंत्र किस काम का। वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में कई सालों से लड़कियों को बंधक बनाकर रखा गया था, जिसके बारे में आस पड़ोस में रहने वालों को भी जानकारी थी। फिर पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, या फिर जानकारी होने के बाद भी वो अनभिज्ञ बनी रही। खैर जो भी हो, लेकिन कथित बाबाओं के फैल रहे माया जाल का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये पाखंडी, या फिर हमारा समाज जो इन्हें पूरी तरह से फलने फूलने का मौका देता है? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। आस्था एक ऐसा नाम जिसका दायरा कभी सिर्फ भावनाओं तक सीमित हुआ करता था, लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी। पहले तो उसे व्यापार के तौर पर भुनाया जाने लगा, और अब उसकी आड़ में ऐसी ऐसी करतूत को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी कल्पना ही अपने आप में बेमानी सी लगती है। बीते एक समय से कोई भी महीना ऐसा नहीं जा रहा जब धर्म के ठेकेदार ही धर्म को कलंकित करते नजर आते हों। जिक्र चाहे किसी भी धर्म के बारे में करें, इस तरह की तस्वीरें सामने आना एक आम बात हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सक्सेना, आपका
स्वागत करता हूं न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश में। समाज में लगातार सामने आ रही इस तरह की तस्वीरों के लिए दोषी कौन है और कैसे लगेगी इस पर लगाम, इन्हीं सवालों के तलाशेंगे हम जवाब अपने विशेष ढोंगी बाबाओं के जाल में। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले नजर डालते हैं इससे जुड़े खास बिंदुओं पर। आखिर क्यों लगातार सामने आ रहा है आस्था के नाम पर खिलवाड़? क्या समाज की अंधभक्ति इसके बढ़ते दायरे के लिए जिम्मेदार है? इस तरह की तस्वीर का दोहराव ना होना, उसके लिए क्या कदम उठाना जरूरी है? क्या धर्म के नाम पर संचालित संस्थानों की जांच होती रहनी चाहिए? तो ढोंगी बाबाओं के जाल, लंबे समय से हम देखें तो देश में अलग अलग धर्मों के धर्म की आड़ में जो बाबा हैं, जो समाज को एक सही दिशा दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस समय देश में आ रही हैं निश्चित तौर पर भयावह हैं, समाज को सोचने लायक हैं, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो या उससे जुड़े लोग। आज की ये चर्चा हम शुरू करें उससे पहले स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ में हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित। प्रवीण, आपका बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। दुर्गेश शर्मा साहब हैं कांग्रेस नेता। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। काजी सैयद अनस अली साहब हमारे साथ में हैं, आप हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हैं बीएल तिवारी साहब, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी साहब। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनय जी, आपसे ही हम जान लेते हैं एक पत्रकार के नज़रिए से। एक लंबे समय से, कोई महीना ऐसा नहीं बाकी जा रहा जब तथाकथित इस तरह के बाबा सामने ना आ रहे हों, और जो कुछ परोसा जा रहा है, जो कुछ चल रहा है, निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर मसला है। क्या कहेंगे, एक बाबा और सामने आते हैं और जिस तरह से आपने देखा कि कैसे बेटियों के साथ में, महिलाओं के साथ में उनकी आबरू को लूटा जा रहा है, निश्चित तौर पर काफ़ी घिनौना कृत्य है। क्या कहेंगे राजेश? देखिए, ये बड़ी विडंबना है इस समाज की। जिस समाज में आस्था है, विश्वास है, धर्म है, उस समाज में आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग भी हैं। और न सिर्फ वो हैं बल्कि उनकी एक समानांतर धार्मिक सत्ता भी है जिसको चुनौती देना बहुत आसान नहीं होता। जैसा आपने रिपोर्ट में बताया कि पड़ोसियों को मालूम था लेकिन पुलिस को नहीं मालूम था, तो ये ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम लगातार हैं। दिक्कत ये है हमारे यहाँ कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको ढोंगी बाबा आप कह रहे हैं, वो अभी बहुत सारे चेहरों से, ऐसे चेहरों से नकाब उठना बाकी है। कुछ की उठ जाएगी, कुछ की बची रहेगी, कब उठेगी पता नहीं। लेकिन ये दरअसल जो है सत्ता के साथ इनका इस तरह से गठजोड़ रहता है कि बहुत जब अति हो जाती है, और अगर धार्मिक शब्दों में कहें तो इनके पाप का जब घड़ा भर जाता है तब फूटता है। लेकिन दरअसल सत्ता के साथ इनका इस तरीके का रिश्ता होता है। आप देखिए, जितने भी बाबा जेल में हैं उन बाबाओं के रिश्ते राजनीतिज्ञों के साथ आपको जो है तस्वीरों में भी दिख जाएंगे, विजुअल्स में भी दिख जाएंगे। और इसमें आप दल मत ढूंढिए, क्योंकि दल ढूंढने की कोई वजह मुझे लगती नहीं है। हर दल के लोग जो है वो किसी न किसी रूप में जो है ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो बाद में जेल जाते हैं या पूछते रहते हैं, उन्हें अनुयायी बन जाते हैं उनके। बिल्कुल। अब क्या होता है, मुझे मतलब एक चीज समझ में नहीं आती कि जो पुलिस होती है वो पुलिस जो है क्यों कार्रवाई नहीं करती। उसका सीधा सा मामला ये है, वो ये है कि चूंकि वो सत्ता के साथ उनका गठजोड़ होता है इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती। और अड़ोसी पड़ोसी लोग या जो छोटे मोटे बेचारे शिकायतकर्ता या पीड़ित होते हैं उनकी आवाज इसलिए मुखर नहीं हो पाती क्योंकि पुलिस जो है कबरदस्त ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं जो है मीडिया पे भी उंगली इसलिए उठा रहा हूं कि मीडिया अपने धंधेबाजी में इस स्तर तक गिर चुकी है कि ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबाओं के प्रायोजित कार्यक्रम पैसा लेके जो है और वो चैनलों पे चलते हैं।
तो मीडिया की भी इस मामले में जिम्मेदारी है, हम उससे बच नहीं सकते। तो इस समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसमें जो है सब कुछ मिक्सअप है। बस ये है कि चेहरा सामने जब आ जाता है तब हम उसको पहचानते हैं, लेकिन ऐसे चेहरे बहुत हैं हमारे समाज में राजेश। सभी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं समाज के, जो भी करता धरता है। हमारे साथ में हैं बीएल तिवारी साहब, प्रवक्ता विश्व हिंदी परिषद। तिवारी जी, जिस तरह से विनय द्विवेदी साहब कह रहे थे और जिस तरह से आस्था के नाम पर लगातार देश में खिलवाड़ हो रहा है, क्या वजह है इसकी? कहीं लगाम लगती दिख नहीं रही है तिवारी साहब? निश्चित रूप से आपकी इस पीड़ा से, आपके इस वक्तव्य से मैं सहमत हूँ कि समाज में नैतिकता का इतना पतन हो गया है। इनमें संस्कार भी शामिल हैं, शिक्षा पद्धति भी शामिल है, और हमारे आसपास के वातावरण का जो आचरण लोगों के सामने आता है उससे ऐसी स्थिति बनती है कि लोग अपने आप में उन्मुक्त हो रहे हैं। उन्हें समाज का भय नहीं है, आपस में एक दूसरे भय का मतलब अनुकरण से उन्हें चिंता नहीं है इस बात की कि समाज में इस कृत का क्या होगा। दूसरे, जहां तक ये घटना आप दिल्ली की जो बता रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से कुछ बातें बड़ी अजीब लगती हैं, जो सोचने के लायक है, देखने के लायक है। किसी की बेटी या बहन भाई या कोई और महिलाएं महीनों से, सालों से उस आश्रम में रह रही हैं। बिल्कुल, उनने कोई शिकायत अपने ना घर भेजी, ना किसी को कुछ कहा, और ना वो एक्सपोज हुआ जी। वो आश्रम में भी जिस नाम से, अध्यात्म के नाम से उस चीज को लिया गया, वो सब के सब मानसिक रूप से विकृत और बीमार लोग हैं जी। और उस बीमार लोगों को एग्जाम्पल बनाकर, उदाहरण बनाकर के समाज की तरफ उसको देखना, ये ठीक नहीं है। वो बीमार है, बीमारी के ढंग से ही उनका उपचार होना चाहिए, उनको उसी दृष्टि से देखना चाहिए। सारा समाज पतित हो गया, सारा धर्माचार पतित हो गए। अब वो धर्माचार तो कहीं से भी नहीं है जी, जी। वो धर्माचार की जो हमारी पद्धति है, जो श्रेणी है, जिस प्रकार का हमारा पूरा व्यवहार है, वो वैसा कहीं भी नहीं है। लेकिन मीडिया और बाकी लोग उसको जोड़ करके, और समाज के प्रतिष्ठित अच्छे लोगों को जिनका त्याग, तपस्या और बलिदान समाज के लिए समर्पित है, उनको उससे जोड़ करके उनके ग्रेड को कम करते हैं, ये भी व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन तिवारी साहब, सोचने वाली ये बात है कि आजकल के समय में किस पर विश्वास करें? आपने कहा कि वाकई जो एक तपस्वी होते हैं, जो बाबा होते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह के मामले समाज में आ रहे हैं, देश में आ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कौन सही है कौन गलत है पहचानना बड़ा मुश्किल है इस समय। तिवारी साहब, मैं एक एवरेज बता देता हूँ। मैं भी समाचार 3-4 पेपर डेली पढ़ता हूँ जी। किसी न किसी, जितने भी अननोन बच्चियों के साथ और किसी महिलाओं के साथ जितने भी दुष्कर्म व्यवहार हुए हैं, वो नजदीक से कहीं ना कहीं उनके बहुत क्लोज रिश्तेदार हैं, या उनके छोटे बड़े भाई के कुछ दूर के रिश्ते होते हैं, और वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारे संस्कारों की कमी है, हमारे समाज में जो विकृति आई है उसमें शिक्षा बहुत जिम्मेवार है, और आसपास के जो वातावरण है, ये कहीं से लाखों साल से, करोड़ों साल से चलने वाली संस्कृति, कि आप पशु पैदा कर रहे थे हमारे लोग, हमारे पूर्वजों ने बहुत तपस्या की है और बहुत आचरण को सुधारा है और एक अच्छे समाज की रचना की है। अब ये विकृतियां बीच बीच में जो पैदा हो जाती हैं, वो समाज का सारी रूप नहीं है, वो समाज के विकृत और विधर्म किस्म के समाज का पड़े हुए लोग हैं, रूप है। और हमारे साथ में काजी सैयद अनस अली साहब जुड़े हुए हैं। अली साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से बीएल तिवारी साहब कह रहे थे, कोई भी धर्म, कोई धर्म अछूता नहीं है। अली साहब, आज हर धर्म में इस तरह के लोग जो सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर समाज के लिए एक कलंक हम कहेंगे। किस नज़रिए से आप इस पूरे घटनाक्रम को, जो लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं? देखिए, किसी भी समाज से उसका ताल्लुक हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो, आवाम को ये चाहिए कि जब उसके लिए एक चीज़ ऐसी दे दी गई है जिसका ताल्लुक, जिस इंसान का ताल्लुक डायरेक्ट अपने ईश्वर से है, अपने अल्लाह से है, तो ये जो बीच में जो बाबा, रोजाना एक बाबा निकल कर आता है, किसी भी धर्म से हो, वो शैतान है। बिल्कुल, समाज से उसका बेइंतहा नुकसान है, समाज को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में अभी ये सजा का वो हुआ कि बलात्कार की सजा, फांसी का, तो हम उसकी सराहना करते हैं। बिल्कुल, ऐसे उस माँ से पूछिए जिसकी बेटी के साथ ये अमल हुआ, ये काम हुआ, ये दुष्कर्म हुआ, उस माँ से पूछिए कि उसके दिल में क्या तकलीफ होगी। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे लोगों से अवेयरनेस आना चाहिए। आप एक बात गौर करेंगे कि जो भी इस तरीके के ढोंगी बाबा हैं, उनके दर पे जाके सबसे पहले अगर कोई बैठता है तो वो औरत होती है,
बिल्कुल, क्योंकि वो मानसिक तौर पे इतनी परेशान है, वो अपनी परेशानी, देखिए इंसान जब दुनिया में है तो परेशानियों से, तो उसका दुनिया का दूसरा नाम जद्दोजहद कोशिश परेशानी है जी। हर इंसान को कोई ना कोई परेशानी है जी। वो अपनी परेशानी का समाधान लेकर कहां जाए, वो अपने धर्म के उसमें अपने धर्म के जो उसको जैसे हमारे हिंदू धर्म में भगवद गीता है और वेद है, पुराण है, ये सब चीजें ऐसी, इस्लाम धर्म में कुरान है, बाइबल है, ये सब चीजें इसमें उनका समाधान है। और किसी भी मजहब के अंदर डायरेक्ट ताल्लुक है बिल्कुल अल्लाह का अपने बंदे के साथ, गॉड का अपने बंदे के साथ, ईश्वर का ताल्लुक डायरेक्ट है बिल्कुल। तो बीच में ये शॉर्टकट लेने की क्या जरूरत है, इसकी अवेयरनेस आना चाहिए। जितने भी धर्म के जिम्मेदार हैं और अच्छे लोगों को आगे आकर अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है बिल्कुल, कि ऐसे लोगों का, ऐसे ढोंगी बाबाओं का पर्दाफाश किया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और गवर्नमेंट से, सरकार से ये मांग भी की जाए कि ऐसे अगर आश्रम है और अगर लोग जाते हैं वहां पे तो बिल्कुल सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए उनके लिए, ताकि किसी भी किस्म की कोई, देखिए शैतानी चेहरा है कभी भी सामने आएगा बिल्कुल, उसका कब तक आप उसको बचा सकते हैं? बिल्कुल, तो बिल्कुल उसकी पूरी तरीके से बिल्कुल हम मना नहीं करते कि आश्रम में नहीं जाएं, आश्रम में जाएं आप, मगर वहां बिल्कुल सिक्योरिटी हो, और अगर पेरेंट्स बच्चे को लेकर जाए तो पेरेंट्स के सामने उसका इलाज हो। कोई भी इलाज ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता कि सारे मर्जों का इलाज आश्रम से ही मिल रहा है या वहां से मिल रहा है, तो फिर हॉस्पिटल सारे बंद हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको समझना चाहिए जरा सा। काफी अहम बात सैयद अनस अली साहब ने कही। हमारे साथ में प्रवीण नापित, बीजेपी नेता हमारे साथ में है। प्रवीण, जिस तरह से बात सामने आई चर्चा में कि सबकी जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये देखा जाता है कि लंबे समय से आश्रम चल रहे हैं, उसका संचालन जो बाबा कर रहे हैं, लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां वहाँ पर होती हैं, इस तरह के मामले चलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार का एक सूचना तंत्र है जो चर्चा में बात आई है, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो सरकार स्तर पर भी, जिस तरह से विनय द्विवेदी साहब कह रहे थे कि नेता ही उनकी अंधी भक्ति में ऐसे लगे रहते कि उनको कुछ उनका खराब दिखता ही नहीं है, सब अच्छा अच्छा दिखता है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की भी बात सामने आती है, जिस तरह से हमने राम रहीम का केस देखा वहां पर, हरियाणा में देखा। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा सरकार को इस दिशा में, सूचना तंत्र है वो भी मजबूत होना, सरकार को भी जिम्मेदारी इसकी तय करनी होगी। विनय जी ने क्या कहा, विनय जी का मत अपना अलग हो सकता है, आपको दो घटना भोपाल की मैं बताता हूँ। एक घटना भोपाल की, हमारे जो मध्य प्रदेश का और अन्य राज्यों में जो प्रिंट मीडिया में सबसे बड़ा अखबार है, नाम कोट करने की शायद मुझे जरूरत लग रही है, इसलिए क्षमा चाहूंगा अगर आपके यहाँ कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो। दैनिक भास्कर के जो प्रधान संपादक स्वर्गीय रमेश चंद जी अग्रवाल द्वारा रामायण जी का आयोजन लाल परेड में हुआ था, पूरे भोपाल को न्योता दिया गया था, सारे भोपाल के लोग गए थे और भक्तिभाव के साथ रामायण जी का किया था। उसके बाद परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज आए थे, उनकी अगवानी मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे लोगों ने की थी। तो उसमें हम भी तो एक इंसान हैं, और अगर हम अगर राजनेता हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रवीण, सही बात आप कह रहे हैं, इस तरह के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं। अब विनय जी को ये, अगर आप हमको निमंत्रण लेके आते हो, अगर कल आपका चैनल कोई अगर रामायण करता है, कोई आयोजन करता है, अगर आप हमें उसमें बुलाते हो, जो विनय जी ने बात कही है, जो विनय जी ने बात कही कहीं ना कहीं पावर सेक्टर क्या क्या, अगर मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ जी, मेरी जीवन शैली अगर ठीक होगी तभी तो आप मुझे बुलाओगे जी, तो मेरा राजनीतिक होना कौन सा गुनाह है जी। अब मेरा कहना बात है, जो ढोंगी है, अरे ढोंगी चाहे शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, ढोंगी चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में होंगे, ढोंगी चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, क्या वहाँ 420 व्यवसाय के लोग क्षेत्र में नहीं होते, क्या डुप्लीकेट चीजें नहीं बनाई जाती, पर उसका महिमा मंडन कहीं नहीं किया जाता है, क्योंकि लगता है कि अच्छा अभी मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, अभी मैं ऐसी कोई बात कह दूं और उसको, अभी दो दिन बाद क्रिसमस का त्यौहार है, तो मैं अभी ऐसी मतलब कई बात, तो हम तो चाहते देखिए देखिए प्रवीण, सभी धर्मों की बात हो रही है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, इस समाज के लिए अगर गलत है तो वो गलत, अगर वही मैंने कहा ना, तो मेरा जो सवाल था वो सवाल यही है कि कहीं ना कहीं सरकार की, प्रवीण सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। राजेश जी, विद्यासागर जी महाराज आए थे जी, हम क्या वहाँ इंटेलिजेंस रखते जी, हम क्या कहते हैं कि इनसे कौन मिलने आना है, कौन नहीं होता, क्या स्थिति होती, पूरा देश सरकार पे क्या करता, अगर हम इंटेलिजेंस ये रखते, अरे भाई वो तो कमंडल लिए चल रहे हैं,
आप कैसी बातें कर रहे हो, हम कैसे, अगर काजी साहब बैठे हैं, इनके धर्मगुरु आते हैं, कितने बार सिटी में पुराने शहर में वो अपनी बात कहते हैं, हम उनके ऊपर क्या इंटेलिजेंस रखें, क्या चाहते हो आप? नहीं लेकिन 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 मेरी बात कही, लेकिन प्रवीण प्रवीण लीकेज तो यहीं पर भी है कि लंबे समय से इस तरह के तथाकथित बाबा इस देश में इस तरह की कृत्य करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? सभी की है, समाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार स्तर पर भी सोचना होगा इस बात को लेकर, के लिए भी तय कर ले जी, उसको सभी धर्म के लोग बैठ जाएं जी, मीडिया के लोग बैठ जाएं, शाम को अखबार तो, शाम की खबर तो मीडिया में ही आनी है, आप कहोगे फलाने चले प्रवीण आएंगे आपके पास में, प्रवीण आपके पास में आएंगे, दुर्गेश जी हमारे साथ में है, कांग्रेस नेता दुर्गेश जी, जिस तरह से बात चल रही है किसी एक के ऊपर दारोमदार नहीं है, एक के ऊपर ये सारी चीजें थोपी नहीं जा रही है, लेकिन सोचना होगा दुर्गेश जी, हर व्यक्ति को सोचना होगा, और जिस तरह से मैंने प्रवीण से कहा कि सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि सूचना तंत्र डेवलप किया जाए, वो इसके लिए कि लंबे समय से इस तरह की चीजें चलती रहती है लेकिन कानों काना हवा नहीं लगती किसी को। राजेश जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं बोलूं तो थोड़ा बोल लेने दीजिएगा, इंटरप्ट नहीं करिएगा। बिल्कुल बोलिए। द्विवेदी जी ने, विनय जी ने जो बोला सत्ता का गठजोड़, उनकी अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने या जो आज देख रहे हैं उन्होंने गलत नहीं बोला। सत्ता के गठजोड़ के संग में जो निजी स्वार्थ के लिए लोग जोड़ के किसी भी स्वरूप में आ जाते हैं, आज पूरा देश देख रहा है कि एक बाबा जो है लंगोट पहन के लोगों को योग कराते कराते एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारी बन बैठा, ये गठजोड़ है। एक बाबा हीरो बनने निकला था और आज जेल में है, एक बाबा और है कहीं, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा है, इस तरीके की जो गठजोड़ ये चीजें आ रही हैं और उसका जो दुरुपयोग हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाबाओं का या जो धर्म गुरु हैं उनका काम धर्म के प्रति, धर्म के संबंध में लोगों को अपनी शिक्षा देना, ना कि किसी तरह के व्यवसाय या किसी तरह के इस तरह के कामों को स्वरूप देना। शिक्षा के लिए अब धर्म बाबाओं का शिक्षा देने का प्रचलन हमारे यहाँ नहीं बचा, गुरुकुल नहीं बचे, शिक्षा के लिए विद्यालय है, गुरु शिक्षा के गुरु हैं, जो बाबा हैं उनकी पहले शिक्षा देख लें, वो शिक्षा विद्यालय और ये सब चला रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। अब लगातार पिछले कुछ वर्षों से ये देखने को आया है कि देश के अंदर हिंदू समाज के ऊपर या सनातन धर्म से संबंधित जो बाबाओं का एक बाबा जो शब्द है, जैसे बाबा हम अपने बुजुर्ग दादा को भी कहते हैं और बाबा शब्द बहुत जगह उपयोग में आता है, और एक शब्द ये बाबा जुड़ गया है जो धर्माचारों के नाम पे जुड़ गया है, ये सबसे पहले तो ये सनातन धर्म के लिए एक सवालिया निशान बन गया है कि बाबा अब सम्मान का शब्द बचा या नहीं बचा। पूरे देश को दो धाराएं, हिंदुस्तान को जिसको हमेशा कहते थे गंगा जमुनी तहजीब, तो गंगा जमुनी तहजीब के द्वारा हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ा के लेके चल रहे थे और हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरह प्रगति कर रहा था, किसी तरह का कोई द्वेष आपस में नहीं था, देश आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे आते हुए देखा कि एक समाज को हमने आतंकी घोषित कर दिया और आज दूसरे समाज को दुराचारी घोषित करने पर लगे हुए हैं, तो वाकई में देश की सरकार को ये देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन है और क्यों है, क्या कि सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग इस पे अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, या वे लोग कर रहे हैं जो सत्ता परिवर्तन देश के अंदर अपने हिसाब से हमारे देश की सत्ता को चलाना चाहते हैं, इन सब चीज पे बात करने के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना, बिल्कुल सभी को आगे आना और सरकार को भी आगे आना चाहिए। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है क्योंकि आज हमारा देश पूरी तरह खतरे में है, बिल्कुल बिल्कुल खतरे में, क्योंकि हमारी हमारे पास में आएंगे, चूंकि थोड़ा बात को और आगे हम बढ़ाते हैं। विनय द्विवेदी साहब जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, विनय जी जिस तरह से बीएल तिवारी जी ने बहुत एक अहम बात की थी कि जिस तरह के बाबा सामने आ रहे हैं और जो बच्ची जो महिला उसके संपर्क में लंबे समय से आश्रम में है, उनके जो गुरुकुल है, जो पाठशाला है, उसमें वो है, कहीं ना कहीं सगे संबंधी के जरिए ही वहाँ तक पहुँचा जाता है, तो इस तरह का जो अंध विश्वास है, अंधी भक्ति है जो, तो इस पर कैसे किस तरह से विनय जी लगाम लगेगी कि सही बात कही है कि आप 2000 से कई बच्चियां 2003 से वहां पर हैं, अब मामला सामने उजागर हो रहा है, तो ये चीजें लंबे समय तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये देखने की जरूरत है, समाज को भी देखने की सारी चीजें जरूरत है।
देखिए राजेश, पहले तो मैं प्रवीण भाई को क्यों बुरी लगी मेरी बात मैं समझ नहीं पाया। सुनिए, मैंने इसलिए मैंने सबसे पहले मीडिया को इसीलिए जोड़ा था उसमें, क्योंकि मीडिया भी जो है इन सबको दूध देने वाली गाय समझता है तो दूता है, इसलिए मैंने उस बात को कहा था। और ना, और मैंने ये भी नहीं कहा था बीजेपी को, मैंने ये कहा था इसमें दल मत ढूंढिए। मैंने ये कहा था, और ये जो है राजेश जी एक मिनट, भाई ने मुझे रेफरेंस में लिया अपनी बात में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मैं फिर वो एक बात कह रहा हूँ, आप दल मत ढूंढिए। आसाराम के साथ जो है बीजेपी के नेताओं के फोटो वीडियो है तो कांग्रेस के नेताओं के भी है, दूसरे दलों के नेताओं के भी है, ऐसे दूसरे लोगों के भी साथ मिल जाएंगे, तो इसमें मत ढूंढिए, चेहरे मत खोजिए, मेरा कहना ये था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात, जो आप राजेश सवाल कर रहे हो, दरअसल आस्था को इसलिए तो अंधा कहा जाता है क्योंकि वहाँ सवाल करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। आस्था जहाँ है वहाँ विज्ञान तर्क और सवाल का कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो जब आस्था में किसी की के खून में वैचारिकता भर दी जाती है ऐसे लोगों की ओर से, तो वो एक साल उनके बच्चे बाहर रहे, दो साल रहे आश्रम में, वो ये मानते हैं कि सुरक्षित हैं, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उसी वैचारिकता के शिकार होते हैं, तो इसलिए वो सवाल ही नहीं। एक दूसरा, चूंकि ये सारी जगह है, या ये कहना चाहिए अड्डे, सही शब्द ये है, चूंकि इस तरह की जो सामने बात आती है, सामने आए हैं आपराधिक अड्डे, ये चूंकि इतने पावरफुल होते हैं कि इन पे जो है लोकल थानेदार टीआई इनकी तो हिम्मत ही नहीं होती इसमें घुसने तक की, उसके लिए तो जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, और बड़े अधिकारी जब कोशिश करेंगे तब तो मिल पाएंगे ऐसे लोगों के जो मुखिया हैं ऐसे जगहों के। तो इसलिए आस्थाओं का खेल ऐसा निराला है साहब, इसमें धर्म मत ढूंढिए, इसमें दल मत ढूंढिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्थितियां हैं इससे समाज को उबारा कैसा जाए, कैसे जाए, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ हुआ है उस पे हम इतिहास पे विमर्श करें। हम समाज को इन बुराइयों से आगे कैसे ले जा सकते हैं, इसके लिए जो धार्मिक लोग हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, और ऐसे जितने भी लोग हैं उनका भंडाफोड़ करना चाहिए, और मीडिया को अपनी भूमिका वास्तव में ईमानदारी से निभाना चाहिए। बिल्कुल, काफी अहम बात कही। तिवारी साहब हमारे साथ में, तिवारी साहब जिस तरह से द्विवेदी साहब कह रहे थे कि एक निश्चित तौर पर सोचना होगा कि कैसे इस तरह की समस्याओं से उभरा जाए, दूसरी तरफ क्या जिस तरह से आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या ऐसी जो धर्म के नाम पर संस्थाएं संचालित हैं उनकी जांच होना चाहिए कहीं ना कहीं? संस्थाओं की जांच का सवाल तो सहमत में नहीं हूं जी, क्योंकि किसी भी पवित्र संस्था के बहुत अच्छे उद्देश्य से जो पूरा समाज के समर्पित होकर के काम कर रहा है जी, उसके ऊपर जांच का प्रश्न खड़ा करना ये उचित नहीं है। लेकिन सवाल व्यक्तिगत चरित्र का है, संस्था सामूहिक रूप से कोई ऐसे अपराध कभी नहीं करती। समाज में व्यक्ति का जहाँ चरित्र पतन होता है, जहाँ वो भटकता है, जहाँ अपनी वासनाओं का शिकार होता है, उसकी मानसिक विकृति पैदा होती है, तब वहाँ ये चीज पैदा बन जाती है, ये चीज होती है। और इसको कोई भी समाज का वर्ग या कोई भी धर्माचार्य या कोई भी समाज के सामाजिक संगठन ये उचित तो नहीं मानते और ना उसमें कोई सहयोग करते हैं। कोशिश उनकी यही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली विकृतियां तो पैदा हो रही हैं। आप एक आम के पेड़ में से देखें तो सारे आम स्वस्थ होकर के, सारे पक करके स्वादिष्ट नहीं होते, उसमें भी हजारों आम कीड़े से वो पीड़ित परेशान होते हैं। गेहूं के दाने भी सारे एक जैसे पैदा नहीं होते, प्रकृति की विधान है। लेकिन विकृतियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, ये केवल हमारी शिक्षा के संस्कारों का सबसे बड़ा काम है। अगर वास्तव में इसमें कोई सुधार करना चाहता है, चाहे सरकार करे चाहे दूसरे लोग करें, लेकिन समाज है नैतिक पतन का, जो नैतिक पतन की जो आई है शिक्षा, हमारे आचार्य लोगों को गुरु जो शिक्षा प्राइमरी स्कूल दे रहे हैं, प्रधानाचार्य, उनके द्वारा भी बड़े विभत्स कृत किए गए हैं और वो समाज में ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। तो आपको केवल एक बहुत सशक्त नैतिक शिक्षा के ओर जाना की आवश्यकता है। उसमें शिक्षा धार्मिक पद्धति से भी हो सकती है, और बाकायदा सिलेबस बना करके, प्रोस्पेक्टस फोर्सफुली लगा करके, और इसको करने की आवश्यकता है, ये करना चाहिए। और लेकिन तिवारी जी, जिस तरह से मैंने जांच की बात जो कही, कि अभी तक जिस तरह के मामले सामने आए हैं इन तथाकथित बाबाओं के, जो इस तरह के बाबा हैं, तो किसी पीड़ित या पीड़िता ने लंबे समय से शोषण के बाद जब शिकायत की है तभी मामला सामने आया है, जबकि सालों से इस तरह के कृत्य चलते आए हैं।
तो ऐसे में जब अति हो जाती है उस पीड़ित या पीड़िता के साथ, जब वो सामने आता है और तभी सच्चाई उजागर होती है, वरना वर्षों से सालों से इस तरह का शोषण होता रहता है। जी एक बहुत उदाहरण देना चाहता हूँ, कुछ हिस्सा में उसका प्रकट नहीं कर सकता। इसी भोपाल की घटना है जी, महर्षि विश्वविद्यालय की घटना है जी, यही की घटना है। बहुत घिनौने आरोप लगे थे, शर्म आंखें सर से नीचे झुक गई थी जी। उसी का शिक्षक, उसी का प्रबंधन, उसी के, और बाद में उन्हीं लोगों ने जाके कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन हमने इतनी पीड़ा भोगी उस मामले में, समाज के सामने सर उठा के बात नहीं कर सकते थे कि एक प्रबंधन का आदमी। अब ये किसी की हम एक्सपोजर नहीं करना चाहते, किसी का बुरा पक्ष सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन उस समय समाज के सामने तो बहुत गंदा चित्र प्रस्तुत किया गया। बाद में दोनों पक्ष कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज कर गए। क्या होता है ये व्यक्तिगत सौदे, व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत आचरण के कारण है, स्वार्थ के कारण हो गया। अब समाज बदनाम हो रहा है उसमें पूरी तरह से। अब समाज क्यों ढोए, आप हमें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं। तिवारी जी वक्त चूंकि कम है, सैयद अनस साहब कुछ कह रहे थे जी। जी देखिए, राजा और प्रजा दोनों के तालमेल से ही राज्य बनता है। तो मेरा कहना ये है कि राजा की नजर में प्रजा कोई भी हो, कोई बाबा हो या एक मजलूम बच्ची हो, उसको एक नजर से देखना चाहिए। क्या इसमें क्या बुराई है कि अगर किसी आश्रम की जांच हो रही है या किसी मदरसे की जांच हो रही है या किसी और धर्म स्थल की अगर जांच हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है? आप, मैंने कहा, मेरे भाई ने अभी कहा कि साहब हम अगर वहां आचार्य थे और अगर हम वहां इंटेलिजेंस लगा, तो क्या परेशानी है? अगर इंटेलिजेंस लगा, अगर वो सही है तो कोई परेशानी नहीं ना। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ना, अगर ये हुआ ऐसा, तो अगर हर जगह ऐसा हो जाए के सीसीटीवी फुटेज हैं, कैमरे लगे हुए हैं, सरकार जब अपन हम एयरपोर्ट पे हो या रेलवे स्टेशन पे हो, हर इंसान की चेकिंग होती है, बराबरी से उसको चेक किया जाता है। तो जब वहां अपन एक दूसरे को वो नहीं कर सकते कि ये बड़े हैं ये बाबा हैं, तो मेरा कहना यही है कि हिंदुस्तान कहीं जहनी गुलाम तो नहीं हो रहा, कि हम हमारे मानसिक रोगी इतने तो नहीं हो गए कि हाँ साहब ये जो बाबा हैं इन्होंने हमारे लिए एक बार जीवन में हमारे लिए अच्छा किया था, तो इनके सारे गुनाह सारे पाप माफ, वो कोई भी हो। बिल्कुल, तो अगर उसने गलती की है तो बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए, और आंखें खोलकर यह सोचकर देना चाहिए कि वो किसी और की बेटी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी बेटी है और मेरी बहन। चलिए, काफी अहम बात कही। प्रवीण, क्या कहेंगे, कैसे रुकेगा ये सिलसिला? राजा जी, जैसे काजी साहब ने कहा या तिवारी जी ने कहा जी, या विनय जी ने कहा जी, आप काजी साहब अब चैनल पे तो तैयार होगा कि फुटेज आना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि जब जलसे के अंदर कार्य चलता है और थोड़ा सा भी पुलिस इधर उधर आ जाती है, तो आप देखिए जन समर्थन, मैं झूठी बोल रहा हूँ मैं, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप सुन लीजिए, जन समर्थन जो होता है वो आप मजा ले के एक सिपाही हाथ लगा ले, एक इंटेलिजेंस का आदमी मंच के पीछे खड़ा हो जाए, एक अभी आप कितने, ऐसा नहीं है, मेरा सवाल है, मेरी बात, मेरा सवाल तो ये भी है कि आपने सभी धर्मों के बारे में बात की थी, बाबा का फोटो अकेला लगा के आप पूरे टाइम टीवी पे दिखा रहे हैं, ये भी गलत है। राजेश जी, दल के नेता राजेश जी, आप आरोप सिद्ध हुआ है, उसका फोटो दिखाया जा रहा है, जब हमको बुलाया था, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी जब हमको चैनल पर बुलाया, बात यहाँ धर्म की नहीं है, बात काजी साहब, मेरा ये कहना सीधा सा सवाल है, चूंकि वक्त कम है, आप सत्ताधारी दल के नेता है, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने फांसी का जो वो किया है बलात्कारी के लिए, बहुत अच्छा किया, हम उसकी सराहना करते हैं। यही तो कहा था भैया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने चलिए दुर्गेश जी, मत है, सारे धर्म चुकी दुर्गेश जी कुछ कहेंगे और तय कर लें कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, दुर्गेश जी कुछ कहेंगे, दुर्गेश जी जिस तरह से सवाल है, राजेश जी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए सिलसिला, मेरा यही सवाल प्रवीण से था, वही सवाल आपसे हमारा, बिल्कुल राजेश जी, इस सिलसिले को रोकने के लिए समाज को और सरकार को संयुक्त प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल, और जिस तरह की बातें हैं कि इंटेलिजेंस, तो आप सबकी जानकारी के लिए बोल दूं, चाहे कोई भी आए, जैसा कि नापेद जी ने एक दो धर्मगुरुओं का नाम कोट किया, कोई भी धर्मगुरु आता है, इंटेलिजेंस अपना काम करती है, उसको कोई नहीं रोकता, इंटेलिजेंस अपना काम करती है। पर जो नवीन जी ने बताया कि जहां सत्ता का आपसी तालमेल या गठजोड़ सामने आ जाता है, विनय जी ने बताया जी, और वहां स्वार्थ यदि बीच में आ जाता है, स्वार्थ से मतलब जो माननीय तिवारी जी ने बताया कि एक स्वार्थ में एक
संस्थापक जो है वो जेल हो आए और बाद में पता लगा कि वो बरी हो गए। तो जब ये स्वार्थ आ जाता है और जिस तरीके का स्वार्थ हो रही है, चीजें हमारे देश में बहुत देखने को मिल रही है कि योग सिखाते सिखाते आप व्यापारी बन गए, सरकार आपके समर्थन में आ गई, तो ये सब चीजें जो है ये देश को गुमराह कर रही हैं। आप धर्म जो धर्म गुरु हैं उनको धर्म गुरु रहने दें, उनसे जब तक राजनीतिक फायदा उठाएंगे तो वह अपने स्वार्थ के लिए आपको, आपके स्वार्थ के लिए आपका साथ देंगे और अपने स्वार्थ के लिए आपसे साथ मांगेंगे। तो इसलिए जब वो स्वार्थ मांगेंगे तो इस तरह की घटनाओं का अंजाम होगा और ऐसी बातें सामने आएंगी। जब यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ में कुछ मांगता है और आपसी अपनी देख हैसियत ऊपर नीचे होती है तो आप उसको रास्ते से हटाने के लिए इस तरह के काम भी कर देते हैं, इस तरह की बातें भी आती हैं कि आदमी उलझाए जाते हैं, चाहे वो मतलब संस्थापक रहे हों या कोई और रहे हों। तो ये सब चीज़ें देश में जो हो रही हैं, ये देश में देश के लिए और हमारे गंगा जमनी तहजीब के संग जो हमारा भारत आगे बढ़ रहा था उसमें एक विराम लगाने के लिए है। हो सकता है इसमें बाहरी संस्थाएं हो सकता है कुछ देश बिल्कुल निश्चित तौर पर कई कारक हैं और कई लोग जिम्मेदार भी हैं, कहीं ना कहीं लगाम। दुर्गेश जी ने एक थोड़ी सी आपत्तिपूर्ण बात की है, उसका मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। बाबा रामदेव की तरफ इनका इशारा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आदरणीय बाबा रामदेव बाबा नहीं है, वो बाबा नहीं है, बाबा व्यापारी है। किसी मर्यादा की कोई तुलना नहीं कर सकता। बाबा रामदेव अपने आप में एक अद्भुत और एक विचित्र स्थिति के लोग हैं। उनका 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 अपना एक मर्यादित काम है और उन्होंने पूरा ट्रस्ट का अगर पैसा लिया है तो समाज को ट्रस्ट किया है, समाज को उन्होंने दान किया है। तिवारी जी, मैं इस उनका व्यवसाय करके उस श्रेणी में नाम लेना आदरणीय, आपको लग रहा है कि उन्होंने ट्रस्ट बना के सब समाज को दे दिया? बिल्कुल दे दिया, मैं मान लिया। फोन से समाज को दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मुझे उससे ना, मैं इसका हिसाब अभी यहाँ दे रहा हूँ, कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। पर यदि बाबा का शब्द लगा के आप व्यवसाय करने पे उतारू हो गए हैं, व्यापारी बन गए हैं, तो मुझे उस शब्द को आप तिरस्कृत कर दे। आप जब तक बाबा के स्वरूप में मुझे शिक्षा दे रहे थे, योग की बाबा थे, सम्मान ले रहे थे, आज आप व्यापारी हो। इसी तरीके से वो यदि हीरो हीरो आशा वो राम रहीम जो है, जब योग सिखाते थे उसका पैसा लेते थे, आदरणीय खुल के वो तो बिल्कुल लेते थे, वो भी लेते थे। ठीक है, चलिए वक्त कम है और जिस तरह से आज हमारा जो मुद्दा था, जिस तरह से देश में ढोंगी बाबाओं का लगातार जाल बिछता जा रहा है और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर काफी गंभीर है। सभी को सोचना होगा, समाज को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा और निश्चित तौर पर लगाम लगना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ में प्रवीण नापित बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका। दुर्गेश जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में विनय त्रिवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, बहुत शुक्रिया विनय जी आपका। बीएल तिवारी साहब प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ काजी सैयद अनस अली ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यही है कि किस तरह से ढोंगी बाबाओं का जो जाल इस देश में फैलता जा रहा है उस पर कैसे लगाम लगे और जिस तरह के मामले, घिनौने मामले इस समाज में, इस देश में आ रहे हैं, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। सबके सोचना होगा, चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, या जो इस समाज के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, सभी को सोचना होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।